छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। आप सोच रहे होंगे कि किसी नक्सली ने हमला या फिर आईईडी लगाया होगा, लेकिन इस बार सुर्खियों में बने रहने की वजह कुछ और ही है। सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने वाला एक वीडियो, दरअसल ये वीडियो है सुकमा जिले के दोरनापाल थानेदार के डांस का। थानेदार का नाम सुरेश जांगड़े बताया जा रहा है कि ये वीडियो 15 से 20 दिन पुराना है। वायरल वीडियो में थानेदार साहब कमर में तमंचा लटकाकर लड़कियों के साथ बगल वाली गाने में जमकर ठुमका लगाते दिखाई दे रहे हैं। दोरनापाल इलाके में 20 दिन पहले एक मेला आयोजित किया गया था, जिसमें डांस का प्रोग्राम भी रखा गया था। इस मेले में थाना पुलिस बल की ड्यूटी लगी हुई थी। इसी बीच सिविल ड्रेस में ड्यूटी कर रहे थाना प्रभारी अचानक डांस के बीच स्टेज पर चढ़ गए। तमंचा लटकाए हुए भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के गाने बगल वाली जान मार ले ली पर थिरकने भी लग गए। अचानक डांस करता देख आसपास के लोगों ने इसका वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद इन दिनों ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोग उच्च अधिकारियों से वीडियो की जांच कर इन्हें पद से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।